सो वेलकम बैक गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत। तो आज की इस वीडियो में गाइस बात करेंगे यहाँ पे हमारा डायमंड लिमिटेड शॉप है उसके बारे में, जिसके अंदर आप लोगों को कितने डायमंड मिलने वाले 27 तारीख से लेकर 9 सितंबर तक आप लोगों को टोटल कितने डायमंड मिलेंगे, साथ में हम लोग को कौन सी आइटम लेनी चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आ रहे हो और भाई का काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो सबसे पहले गाइस बात करें तो यहाँ पे हमारा डायमंड वेव 2 स्टोर तो अपडेट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नए रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिले, जिसमें हमारा UMP हो गया। फिर गाइस यहाँ पे एक वुड पैकर का स्किन नया आया है, तो काफ़ी हद तक इसका एट्रीब्यूट्स भी बहुत ही बढ़िया है, तो इसके पीछे भी जा सकते हो, मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा आप लोग को आगे जाके। पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कटाना का स्किन भी है, आप लोग वो लेना चाहते हो तो कटाना भी ले सकते हो। यहाँ पे इमोट्स वगैरह कॉस्ट्यूम में गाइस इतना जो बंडल है उसके बारे में आप लोग मत जाना। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं यहाँ पे UMP की। तो अब देखो यहाँ पे आप लोग के पास UMP का पहले से ही आप लोग को दो, तो आई थिंक दो फ्री में मिला हुआ है। अगर आपके पास एक भी पहले से हो पड़ा हुआ है तो आप लोग उसके पीछे मत जाना, जो हम लोग को पिंक डायमंड से मिल रहा है उसके पीछे तो मत ही जाना। अगर ये वाला आपके पास है तो आप लोग डायमंड पिंक डायमंड इसको वेस्ट मत करना, ये वाला काफ़ी बढ़िया एट्रीब्यूट्स गन है, तो इसको चलाना तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही में इस वुड पैकर की बात करें तो वुड पैकर क्यों लेना चाहिए, अब देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स काफ़ी ज़्यादा डबल डैमेज यहाँ पे रेंज दी जा रही, साथ में हमारे यहाँ पे हमारा आर्मर पेनेट्रेशन है वो गाइस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पर गाइस यहाँ पे देखो आपके पास एक भी स्किन नहीं है तब भी आप लोग इसके पीछे जाना, और कितने डायमंड मिलेंगे वो भी बताऊंगा। पहले यहाँ पे आप लोग यहाँ पे गेंद देख लो, तो यहाँ पे गाइस मेरे पास 3 स्किन अवेलेबल है, जिसमें एक में तो सिर्फ डिजाइन किया हुआ है, जिसमें गाइस हम लोग को मैगजीन और आर्मर प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है, तो ये भी इतना खास नहीं है। पर मेरे पास यहाँ पे डैमेज प्लस एक्यूरेसी वाला यहाँ पे गन है, तो मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वुड पेकर को परचेस नहीं की, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा वुड पेकर का स्किन है तो मैं इसको नहीं लूँगा। साथ में गाइस ग्रोजा का स्किन भी काफ़ी हद तक बढ़िया है, अगर आप लोग पास ग्रोजा का स्किन एक भी नहीं है तो देखो आप लोग को डायमंड बहुत मिलने वाला है, तो आप लोग ग्रोजा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला डबल रेट ऑफ फायर वाला पड़ा है, फिर साथ में एक्यूरेसी वाला भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं ग्रोजा भी क्यों लूँगा, ठीक है, क्योंकि ग्रोजा मुझे इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे 2-3 स्किनें पहले से पड़ी हुई है, तो ग्रोजा के पीछे मैं भी नहीं जाने वाला हूँ। आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग डेफिनेटली इसके पीछे जा सकते हो। अब गाइस डायमंड देखो यहाँ पे आप लोग को टोटली हमारे पूरा जितना भी यहाँ पे स्टोर रहेंगे उसका मिशन कंप्लीट करते हो तो 5500 डायमंड आप लोग को टोटली मिलने वाले। पर गाइस 27 तारीख से लेकर 9 सितंबर की बात करें तो आप लोग को 3000 समथिंग आप लोग को डायमंड मिलने वाले हैं, यानी कि 3000 अराउंड आप लोग को डायमंड मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मिशन तो गाइस नॉर्मली होते हैं, जिसमें हम लोग को फ्रेंड के साथ खेलना है, सर्वाइव 40 मिनट करना है, 2 टाइम यहाँ पे BR रैंक के अंदर या क्लासिक खेल सकते हो, बुया करना है, लॉगिन करना है, वीकली मिशन भी वही सेम टू सेम होता है। पर यहाँ पे गाइस जो मेन चीज़ है वो गाइस यहाँ पे 2 तारीख को फिर से हमारा न्यू मिशन चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि मिशन के अंदर आप लोग को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा 2 सितंबर के दिन। और गाइस उस दिन जो भी मिशन नए अगर आएंगे, इम्पॉसिबल थोड़ा सा मिस्टेक वाले होंगे तो मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा, पर आप लोग को ये सारे मिशन कंप्लीट करना है। आप लोग को 3000 डायमंड मिलने वाले, जिसमें से गाइस अगर आप लोग 2 गन का स्किन निकालते हो फिर भी गाइस आप लोग को अच्छे खासे डायमंड मिल बच जाएंगे, 700-800 डायमंड अराउंड बच जाएंगे, तो आप लोग ले सकते हो। कैरेक्टर भी अच्छे खासे तो निकाल सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा।